बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली सेल होता क्या है, किस तरह का होता है, कितनी तादाद में पाया जाता है और ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। फिजियोलॉजी की जो है अब हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर के कोई जिस्म का हिस्सा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, उसको हमने नाम दिया था एनाटॉमी का। फिजियोलॉजी में हमने देखना है कि कैसे वो अपना वर्क परफॉर्म करता है या कैसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसका बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। फिजियोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को सेल का कंसेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द सेल। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, वी कैन डिफाइन सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम इसे यूं भी कह सकते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है असेंशियल, जरूरी, जिसके बगैर गुजारा ना हो सके। सेल बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से एक ईंट होती है वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, जब बहुत सारी ईंटें इकट्ठी होती हैं तो एक इमारत बनाती हैं या कोई दीवार बनाती है। एक ईंट हमारे इस लिहाज से किसी काम की नहीं होती कि वो कोई इमारत तामीर नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत सारी जो है वो एक जैसी ईंटें जमा होती हैं फिर होते हैं। इसी तरीके से सेल्स जो होते हैं, हमारी बॉडी की एग्जाम्पल भी एक बिल्डिंग की तरह है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे ईंटें हैं, सेल्स हैं, वो ईंटों की एग्जाम्पल होते हैं। इकट्ठे मिलके एक हमारे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल्स लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स पढ़ाए थे। सेल्स मिलके जो है वो टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन। इसीलिए जो सेल्स हैं हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे बेसिक यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यानी कि जो हमारी बॉडी की साख बनाते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स हो गए। ठीक है, हमारी जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, इंटरनल लाइनिंग उनकी जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स की होती है, जो हमारी बॉडी का इंटरनल पार्ट बनाती है यानी कि अंदर का हिस्सा बनाती है। फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट कैसे, यानी कि काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्डियक है, हार्ट का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड हार्ट मसल्स होते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। हार्ट का काम होता है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना, तो वो हार्ट के मसल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कार्डिक सेल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम वी कैन से सेल इज आवर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। ठीक है, किसी भी जानदार का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सेल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम इब्तिदा कैसे हुई, सेल को डिस्कवर किसने किया। तो इसका जो एमसीक्यू के लिहाज से आप लोगों को याद रखना है, इसका जो सेल है, सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। ठीक है, यानी कि रियाजीदान था, रॉबर्ट हुक उसका नाम था। 1665 में वो एक कॉर्क, लकड़ी के बने हुए टुकड़े का उसने जो है अपनी ही बनाई हुई कंपार्ट माइक्रोस्कोप में देख रहा था। तो उसे महसूस हुआ कि जो सेल है वो उसमें जो है छोटे छोटे साख्तें सी हैं, तो उसने उनको रूम लाइक स्ट्रक्चर का नाम दिया। ठीक है, और उसने इस तरह से फील किया था जैसे कि शहद की मक्खियों के छत्ते में, हाइव जिसे हम बोलते हैं, उनके कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको उस कॉर्क के लकड़ी के टुकड़े में वो महसूस हुए। लेकिन चूंकि उसकी उस टाइम माइक्रोस्कोप जब इतनी ज्यादा रेजोल्यूशन पावर की नहीं थी, इस वजह से वो फर्दर स्टडी नहीं कर सका था। लेकिन सेल का वर्ड जो है वो लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड्स से हम कह सकते हैं निकला है। अगर लैटिन से इसका लिखे तो इसको के वाई काइटोस कहा जाता है, और अगर ग्रीक में इसका लिया जाए तो इसको सेल्ला कहा जाता है, जिन दोनों का मतलब रूम होता है, यानी कि एक रूम लाइक स्ट्रक्चर, कमरे नुमा स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं। बेसिकली सबसे छोटा यूनिट होता है जो आगे फर्दर पूरी बॉडी को बना रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। इसने बस डिस्कवर ये किया था कि एक रूम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। फिर आगे फर्दर स्टडीज होती गई वक्त के साथ साथ। तो जो इसके बाद जो
ब्रेक थ्रू हुआ, ठीक है, जिससे आगे फर्दर एडवांसमेंट आई, वो रॉबर्ट हुक की स्टडीज से आई थी 1838 में। उसने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस जो क्या होता है, हमारे बॉडी का जो सेल का सेंटर होता है, बेसिक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का सेंट्रल यूनिट क्या होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है वो हमारा ब्रेन है, इसी तरह से जो सेल का सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटीन्स बन रहे होते हैं और डीएनए वगैरह हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो जिंदा होता है। नेक्स्ट प्रोटीन, इसके बाद जो था उसके नेक्स्ट जो ब्रेक थ्रू आया वो आया था 1839 में। उसमें क्या हुआ था, उसमें फर्दर ये स्टडी किया गया था कि जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द एक फ्लूइड पाए, यानी कि माया पाया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। 1832 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर इन तमाम डिस्कवरीज से होते हुए जो एक थ्योरी पेश की गई थी, सेल थ्योरी, कि बेसिकली सेल होता क्या है, ठीक है। उसमें 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया था, 3 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट तो ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जिंदा चीजें हैं वो सेल से बनी हुई होती हैं, एक या एक से ज्यादा सेल उसमें मौजूद हो सकते हैं। दूसरा जो उसमें पॉइंट बताया गया था वो ये था कि जितने भी जिंदा जानदारों में सेल्स हैं वो पहले से मौजूद अपने सेल से डिवाइड होके बनते हैं, ठीक है। यानी कि कोई से भी खुद से न्यू नहीं बनता, पहले से मौजूद सेल से आगे मजीद नए सेल बनते हैं। तीसरे पॉइंट में उन्होंने किया था कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तमाम डिस्कवरीज के बाद एक थ्योरी बना दी गई थी, ठीक है। और इसका अगर हम देखें कि वन बाय वन इसको देख लेते हैं, तो कैसे आप लोगों को ये समझ आते हैं कि सबसे पहले है, अगर हम देखें कि टाइप्स के लिहाज से एक या एक से ज्यादा सेल, यानी कि तादाद के लिहाज से अगर हम देखें तो एक सेल भी पाया जाता है और ज्यादा सारे सेल भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदारों को। जानदारों को हम दो तरह से तकसीम कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि ऐसे तमाम जानदार जिनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियाज, यीस्ट, यीस्ट कहते हैं जो खमीर जिससे पैदा होता है, ठीक है। बैक्टीरियाज में भी एक सेल पाया जाता है जस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत ज्यादा, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो वी कैन से ऑर्गेनिज्म डेट इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन, डेट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है एनिमल, जिसमें हम ह्यूमन भी शामिल होते हैं, इसमें प्लांट्स की आ जाती है और फंगस की, ये मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने स्टडी करना है, टाइप्स, सेल्स के लिहाज से जो है क्या टाइप्स होती हैं सेल्स की। बेसिकली सेल की 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, एंड यूकैरियोटिक का मतलब, यू का मतलब होता है बाद में, ठीक है। बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये है कि वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जबकि वो सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस को आप ये फर्दर डिटेल में बताएंगे क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे ये याद रखना है अपने कॉन्सेप्ट के लिए कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो जान सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं मार पाया जाता उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन, इसमें हमारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, हमारे जीन्स पैदा करता है, और जीन्स हमारे जितना भी जेनेटिक ट्रेड्स है उनको कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें बस एक सेल पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें मल्टी सेल्स पाए जाते हैं, काफी सारे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जाम्पल होते हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। ये अगर देखें एक
रमसी डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही मौजूद होता है। एक ही सेल होता है जो कि तमाम कामों जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह इन सबको एक सेल ही कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन में कौन कौन से सेल। अब हमने ये तो देख लिया डेफिनेशन कि सेल बेसिकली होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सेल के बारे में, ह्यूमन में कितनी, और ये भी डिस्कशन से साबित हो गया कि जो हमारे हैं ह्यूमन के अंदर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो साइज क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। पहले हम बॉडी में मौजूद सेल्स की बात कर लेते हैं कि किस टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स जो शीट लाइक सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी लाइनिंग बनाते हैं। मसल सेल्स, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो मसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद देते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स, इस तरह के जो होते हैं सेल्स, स्किन सेल्स हो गए, ये जो कुछ एग्जांपल है हमारे बॉडी में सेल्स की जो पाए जाते हैं, ठीक है। साइज के लिहाज से अगर देखें तो इनका साइज वेरी करता है। वेरी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, इनके बदलता रहता है। कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ दरमियाने साइज के होते हैं। तो इनका सेल्स का जो साइज है ह्यूमन बॉडी में वो वेरी करता है क्योंकि ये लातादाद होते हैं। सबसे छोटा सेल जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल यानी कि जो मेल के अंदर बनता है सेल, उसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। और सबसे बड़ा सेल जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो फीमेल के अंदर बनता है एग सेल, या जिसे हम ओवम सेल भी कहते हैं। इसके अलावा लंबाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा नर्व सेल होता है। नर्व सेल वो सेल होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम के बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी से कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, उसको हम नर्व सेल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम शेप की बात करें यानी कि किस तरह की शक्ल की सेल्स पाए जाते हैं इंसान के अंदर, तो सेल्स वेरी इन शेप, ये शेप में भी यानी कि इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ होती हैं, लगातार शक्लों में पाए जाते हैं, अशकाल में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स अगर हम देखें तो सर्कुलर टाइप होते हैं, ठीक है। नर्व सेल जो होते हैं वो ब्रांच की तरह के होते हैं, लंबे, एक सेंटर होता है उसका और इर्द गिर्द बहुत सारी उसकी ब्रांचें या शाखें जिसे हम कह सकते हैं वो निकल रही होती हैं, ठीक है। और ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो भी होते तो थोड़े सर्कुलर हैं, लेकिन वो इस तरह से होते हैं कि उनके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने निगलना होता है, इंगल्फ करना होता है, तो वो थोड़े से अपवर्ड दिख रहे होते हैं। इस तरह से जो है सेल की अशकाल भी हमारी बॉडी में डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने साइज और शेप के बारे में तो पढ़ लिया, अब सेल बना किस चीज से होता है, सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। बेसिकली जो हमारा सेल है बॉडी का, थ्री मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारा सेल है उसकी बाहर की कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो ग्रीन कलर की से बाहर आप लोगों को थोड़ा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारी सेल का सेंटर पार्ट होता है, उसको कंट्रोल करता है। इसमें हमारा डीएनए, प्रोटीन यानी कि मौजूद होते हैं जो कि हमारे सेल की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती हैं, सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है या माया क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनेले, ऑर्गेनेले कहते हैं स्मॉल ऑर्गन्स को, वो फिर रहे होते हैं जो कि बाकी फर्दर सेल्स के पार्ट होते हैं और बाकी हिस्सा बना में। बेसिकली ये थ्री पार्ट्स होते हैं। एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंस होता है, लेकिन जो भी सेल्स होते हैं उनके ये तीन ही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, जो स्पेसिफिक फ्लूइड लाइक पार्ट होता है उसको हम साइटोसोल कह देते हैं, और जो ऑर्गेनेले होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनको आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसकी जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, इसकी साइज का और मल्टी सेलुलर का, यूनिसेलुलर का आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहिए, साइज, शेप और सबसे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी के बारे में आप लोगों को इल्म होना चाहिए।
और सबसे बेसिक जो आपका कंसर्न है वो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। बेसिकली जितने भी सेल्स होते हैं वो थ्री बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स यानी कि छोटे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि मिलकर सेल की शेप बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।